चलिए, टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम का क्या क्या फॉर्मूला होता है ना? तो लीनियर मोमेंटम का जेनेरिक फॉर्मूला जो होता है, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइन, फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी जो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का आएगा, उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो ये एक्चुअली क्या बोलता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये क्या बोलता है? एक क्वांटिटी ऑफ मोशन कह सकते हैं आप इसको। बॉडी में कितना मोशन हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन दो तरह से डिफाइन करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ये दो चीज़ें होती हैं। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर लिनियर मोमेंटम मास किसी बॉडी का सेम हो जाए, पहले ये समझेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या स्केलर है, ये वेक्टर है, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम बता चुके थे कितना होता है, एम एल टी रेस टू माइनस वन है ना। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इम्पल्स का भी यही फॉर्मूला होता है, ये हम जान चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। तो अब हमको पता करना क्या है कि अगर इसमें बहुत सारे केसेस हैं, स्पेशल केसेस को अगर हम डिस्कस करेंगे है ना, स्पेशल केसेस अगर हम डिस्कस करें तो पहला स्पेशल केस होता है, पहला स्पेशल केस ये हम लेते हैं कि मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट आ रहा है मतलब लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर एक बॉडी की मास कांस्टेंट है तो बॉडी का स्पीड ज़्यादा जितना होगा उतना ही क्या होगा, उसका मोमेंटम होगा। सपोज दैट दो बाइक हैं चल रहे हैं रोड पे, सेम मास है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं V1, अगर दो बॉडी का मोमेंटम कंपेयर करना चाहता हूँ, मास अगर कांस्टेंट है, मास अगर सेम आ रहा है, V1 बाय V2, हम क्या करेंगे, V2 लिख देते हैं। तो ये जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, V1 बाय V2 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब एक को अगर हमने 4 मीटर पर सेकेंड रखा, एक को हमने 6 मीटर पर सेकेंड रखा, तो ये हो जाएगा 2/3 रेशियो। रेशियो कुछ इस तरह से आएगा, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ये सेम मास का किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। अगर सेम मास का हो गया तो ओके। तो अगर तो लीनियर मोमेंटम का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। हमेशा इस सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम का ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस इतना करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। ऐसे ऐसे कहानियों में एम क्या होता है, कॉन्स्टेंट हम मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा कहानी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। दूसरे कहानी को देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वी इज कांस्टेंट। वी क्या है, यूनिफॉर्म। मतलब स्पीड अगर हमने कांस्टेंट रखा है, ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम इज, लीनियर मोमेंटम का अगर स्पीड कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब एक ट्रक और एक बाइक दोनों का मास अलग अलग होता है ना, अलग अलग है, लेकिन अगर सेम स्पीड से जाए है ना, तो ज़्यादा लीनियर मोमेंटम किसका होगा, ट्रक का। कि मास पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड अगर सेम आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर सेम आ जाए तो मास पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें P2 by P1, तो m1/v/m2/v, अगर m1 100 kg का है, 200 kg का है, और ये अगर 50 kg का है तो कितना होगा, 4। ये 4 रेशियो आ रहा है, मतलब P1 ratio P2 = इतना आ रहा है, P1 = 4 × P2 आ रहा है। इस तरह से लीनियर मोमेंटम चेंज हो जा रहा है। इस तरह के ग्राफ को अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा है ना। लीनियर मोमेंटम क्या है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम टी है, और वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ देखते हैं, सॉरी मास का हम देखेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा।
यहाँ पे भी क्या है कांस्टेंट, भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, इस तरह से हम समझेंगे कि मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके चल चलिए जाओ, चुप करोगे जाओ जाओ मां संगे जाओ। लीनियर मोमेंटम स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम में थर्ड केस हम ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म लीनियर मोमेंटम क्या है, यूनिफॉर्म मास इनटू वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी क्या है कॉन्स्टेंट है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m2v2 इज इक्वल टू m3v3, m3v3 इज इक्वल टू m4v4, लाइक दैट ऐसा सोचते जाते हैं। m इनटू v कॉन्स्टेंट है। ऐसे ऐसे केस में मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस ऑब्जेक्ट का अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सबका सेम लीनियर मोमेंटम आ गया तो जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी उसका मास क्या होगा, सबसे कम होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, जिसकी स्पीड सबसे कम होगी उसका मास भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, बशर्ते सेम लीनियर मोमेंटम होनी चाहिए। ओके चलिए लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की बात हम करते हैं, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ पी डॉट पी, तो ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम वी डॉट एम वी, है ना, दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो सजा के देखते हैं ये कितना हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो 1/2 mv² ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, p² / 2m आ रहा है एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लीनियर मोमेंटम की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मैं इस तरह से लिखूं p² इज इक्वल टू 2mk, अगर मैं लिखूं तो p जो है वो कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। तो इस केस में हम अगर देखना चाहते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, इस केस में अगर हम देखना चाहेंगे तो अगर पहला केस हम ये माने सेम मास रहा तो लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर के, काइनेटिक एनर्जी के इस पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, तो काइनेटिक सेम मास, मास अगर सेम आ रहा है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा बता सकते हैं, कैसा ग्राफ होगा। पी स्क्वायर अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी ले लिया और ये मोमेंटम हो गया तो क्या होगा बता सकते हैं, तो इसमें क्या होगा प्लस नेगेटिव कुछ इस टाइप से आ जाएगा, है ना, क्या होगा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, प्लस माइनस जो भी साइन आएगा वो इसकी आ जाएगी, प्लस माइनस जो भी होगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। चलिए इस केस में मास हमारा क्या है कॉन्स्टेंट आ रहा है। दूसरा केस हम लोग हैंडल करते हैं, देखिएगा दूसरे केस में क्या हो रहा है। दूसरे केस में लीनियर मोमेंटम की बात करें, सेम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि लीनियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो लीनियर मोमेंटम पी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी है कुछ इस तरह समझ में आता है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, आप इसको जान लीजिए। तो डिफरेंशिएट करके अगर देखना चाहते हैं तो भी हम पता कर सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, क्या होगा नहीं होगा, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कहा कि किसी बॉडी की मास है 1 kg और काइनेटिक एनर्जी उसका है 2g, देन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, लीनियर मोमेंटम क्या होगा,
लीनियर मोमेंटम उसका होगा कितना, रूट अंडर दैट इज इक्वल टू टू इंटू वन इंटू टू दैट इज इक्वल टू टू क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड, क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड, कितना हम सोच के चलेंगे जानेंगे, जान लीजिए देख लीजिए इसके बाद क्या होगा। सेम काइनेटिक एनर्जी है तो ये सब चीज़ें हैं हम लोग जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी अगर निकालना होगा किसी बॉडी का, दूसरा एग्जांपल के तौर पे अगर किसी बॉडी का हमें दिया हुआ है मास 2 kg, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है कितना, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना और लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है 6 kg/m², तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी का क्या होगा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, तो p² मतलब 36/2 इंटू मास कितना है 2 kg का है, मतलब 9 जूल, ये जो है हमारा आंसर आ रहा है। इस तरह से हम लोग समझेंगे जानेंगे आगे देखेंगे, है ना। ओके चलिए हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। ये क्वालिटेटिव नहीं बता रहा, ये बताएगा क्वांटिटेटिव, कितनी क्वांटिटी। चलिए पापा फिर आपका सादा कर ले, एटम का कम से शांत होते हरम जदी पर से निशुल्क खत्म हो। क्वांटिटी सेकंड लॉ जो है ये कितना है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हाउ मच, कितना कितना है ना। तो क्वांटिटेटिव फोर्स की क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी ऑफ फोर्स बता रहा है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स ये सेकेंड लॉ है। क्या बता रहा है, एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ फोर्स नॉट क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव नहीं बताता है लेकिन क्वालिटी भी बताता है ना। इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी नहीं बता रहा, क्वालिटेटिव भी बताता, क्वांटिटी भी बताएगा और क्वालिटेटिव भी बताएगा, दोनों चीज़ बताएगा। इसमें फर्स्ट लॉ भी इंक्लूडेड है ना, इसमें क्या है क्वांटिटी ऑफ फोर्स बताएगा। तो नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे फोर्स, क्या हम लोग पढ़ते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या पढ़ते थे मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते थे, ये हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते थे। ये क्लास नाइन का डिफिनेशन है, ये किसका डिफिनेशन है भाई, ये क्लास नाइन का डिफिनेशन, क्लास 9-10 में हम लोग यही पढ़ते थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है मास इंटू एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कब आता है, ये कब आता है, अगर हम इसको लिखना भी चाहेंगे तो कब होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप जानते ही हैं क्या आता है, दैट इज इक्वल टू dv/dt, ये आता है फोर्स। चलिए तो ये सब चीज़ें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी है, जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे। तो आखिर ये नाइन्थ क्लास का डिफिनेशन हम कब पढ़ते थे, जब बॉडी का मास क्या होता था, इस केस में मास क्या होता है कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी की मास कांस्टेंट होगी तो कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी कॉल्ड द फोर्स इन दैट बॉडी, उस बॉडी में फोर्स कितना है ना। तो जो ये फोर्स हम लिखते हैं ये फोर्स एक्चुअली होता क्या है, एक्सटर्नल फोर्स होता है। एक्सेलरेशन अगर यार बॉडी का हम निकालना चाहेंगे तो निकालेंगे कि कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है और कितना उसकी मास है, ये हमारा क्या बताता है एक्सेलरेशन बताता है, नॉट इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट द बॉडी, इंटरनल फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। लिखेंगे इंटरनल फोर्सेस डू नॉट एक्सेलरेट, क्या करते हैं ये एक्सेलरेट नहीं करते। चलिए ये बॉडी को अगर एक्सेलरेट नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्लास 9 में हम लोग इस तरह से पढ़ते थे, क्लास 11 में जब हम लोग आते हैं
जब हम लोग कहते हैं क्लास 11 में, तब हमारा दिमाग जो है काफ़ी एक्सपेंड कर चुका होता है, तब हम लोग फोर्स का एक डिफिनेशन पढ़ते हैं, एक नया डिफिनेशन पढ़ते हैं, दैट डिफिनेशन इज क्वांटिटेटिव डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। क्या निकालेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, और इसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं। ये क्या है, मैथमेटिकली बोलिए या क्वांटिटेटिवली बोलिए, तो हम मैथमेटिकली बोलिए या क्वांटिटेटिवली बोलिए, क्या है, क्वांटिटेटिवली, है ना। ये दोनों तरह से इतना हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है, कैसे लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का चेंज हो जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, लीनियर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का हम क्या लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हैं किसी बॉडी का, पी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो फोर्स जो आएगा, आपका जो फोर्स आ रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी। ये क्या आ रहा है, डी वी बाई डी टी। एक बार अगर हमने मास को कॉन्स्टेंट रखा है तो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी। ये क्लास 9 का डिफिनेशन हम लोग करते थे। प्लस अगर मास भी चेंज हो जाए बॉडी का तो क्या लिखेंगे, डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो डी एम बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ये जो वेलोसिटी आ रही है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, हम सबको पता है ये सब रिलेटिव वेलोसिटी है। एक एक केसेस हम लोग पढ़ते हैं, जब मास कांस्टेंट आता है इसी फॉर्मूले से हर चीज डिनोट है। अगर दिस इज इक्वल टू ये आ रहा है यहाँ से, तो अगर हमने मास को क्या किया है, कांस्टेंट करके रखा हुआ है, देन फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ये सोचें कि बॉडी एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन ही अगर जीरो है, इसी कोई बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा, इसके बावजूद अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो, इसके बावजूद उसके अंदर में फोर्स होता है, दैट इज इक्वल दैट फोर्स, दैट फोर्स एक्सटर्नल, दैट फोर्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, वी डी एम बाई डी टी। ये भी एक आता है, ठीक है। और एक केस ऐसा भी होता है कि मास चेंज कर रहा होता है, तो अलग अलग केसेस हम समझते हैं, जानते हैं इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन इसके बावजूद बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो ये जो वेलोसिटी है ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में फेंका जा रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे, एक हॉस पाइप रखे हुए हैं, पानी का हॉस पाइप, उससे पानी निकलती है ना, हम उसको जोर से पकड़े हुए हैं, तो जब पानी निकल रही है तो जिसके ऊपर जाएगा उसको फोर्स एग्जर्ट करेगा। इसका मतलब उस पानी में क्या था, फोर्स था, फोर्स उसने एग्जर्ट किया, प्लस वो अगर आगे की ओर जाए पीछे की ओर फोर्स धकेल रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हमको पढ़ना रहता है। तो एक बॉडी की अगर एक बॉडी में अगर एक्सेलरेशन नहीं भी है तो भी उसमें क्या होता है, फोर्स कंटेंट रहता है, उसमें फोर्स रहता है, ठीक है। अगर कोई मान लो प्रोसेशन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पुलिस जो है उसको हटा रहा है, तो पानी का फवारा लेके क्या करते हैं, बहुत जोर से उसको धकेलते हैं, तो जाके वो लोग दूर भागते हैं। उस पानी के अंदर में फोर्स है, उस पानी के अंदर में फोर्स है, पानी का क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पानी स्ट्राइक कर रहा है। वाटर इज स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास चेंजेस, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने किसी से ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करना होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो होगा वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये चीज़ ज़्यादा हो जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी और कांस्टेंट भी रहेगा, ये क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, या नहीं तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी जो जितना ज़्यादा होगा, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है फोर्स, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस डी एम बाई डी टी, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा हो गया और ये हमने क्या करते हैं कॉन्स्टेंट अगर है, तो ये अगर ज़्यादा हो गया जितनी स्पीड से बॉडी जा गिर रहा है उसके ऊपर में उतना ही उसके फोर्स एग्जर्ट करेगा। अगर यूनिक कम वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा डी एम बाई डी टी, बहुत ज़्यादा मास आ रहा है तेज़ी से, तो वो भी क्या करेगा, पानी ऑब्जेक्ट को भगा सकते, जैसे बाढ़ की सिचुएशन में क्या होता है,
बाहर के सिचुएशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पानी अगर आ रही होती है, क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो तो बड़े बड़े बिल्डिंगों को उड़ाता है, पेड़ को उड़ा देता है, तो क्या फोर्सी तो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई पानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और किसी चीज़ को स्ट्राइक करे, डीएम अचानक पानी बहुत ज़्यादा आ जाए, अचानक किसी पानी बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। और ये तो हम आप लोग फेमिलियर हैं ही, है ना, इस चीज़ से तो आप लोग फेमिलियर हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, इससे काफ़ी फेमिलियर है कि किसी बॉडी में अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, अगर मैंने इसको नीचे गिराया, ठीक है, मान लो ये एक केजी का है और इसके अंदर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो टोटल फोर्स कितना एग्जर्ट किया जा रहा है इसके ऊपर, दैट फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर मान लो कि इसके अंदर 0.1 केजी ग्राम 0.01 केजी, अगर इसका मास अगर 0.01 केजी हो और इसको नीचे गिरा कर, इसमें कितना फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, वेट कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं, एसिलेट क्या हो रहा है हम जानते ही हैं, बॉडी एसिलेट होता है, और एसिलेट नहीं हो रहा था उस केस में हमने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा हो तो भी क्या होगा, वो इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता ही है। ठीक है, जैसे रॉकेट का केस, रॉकेट केस में क्या होता है, डीएम बाय डीटी मास चेंज करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रॉकेट क्या ऊपर जाता है, गैस नीचे है और रॉकेट ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस जगह में फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे काम नहीं करता, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, वहाँ पे इंटरनल फोर्सेस काम करता है। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन में पढ़ेंगे अब कि रॉकेट प्रोपल्शन में कैसे काम करता है। ओके, सेकेंड लॉ के अंदर में फर्स्ट लॉ भी है, सेकेंड लॉ कंटेंस द फर्स्ट लॉ। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फोर्स, फोर्स के बारे में हम एक्सटर्नल फोर्स जो हम पढ़ेंगे दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन हो जाए जी, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, डीवी बाई डीटी ही जीरो आ रहा है, डीवी बाई डीटी जीरो आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, ये क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब या तो 0 मीटर पर सेकेंड है और नहीं तो 4, 5 और 6 एटसेट्रा मीटर पर सेकेंड है, और तो कुछ नहीं है, 0, 4, 5, 6 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 मीटर 4 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिफॉर्म है। क्या बताता है फर्स्ट लॉ, क्या बताता है, इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगा तो ऐसा रेस्ट रहेगा तो 0 मीटर पर, ये वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी इज डायरेक्शन। ओके, ये फर्स्ट लॉ है, इसी को उल्टा घुमाते हैं, इसी को अगर उल्टा घुमाएंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो इट मींस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है, और किसी बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फर्स्ट लॉ में कॉन्टेंट है, सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ ऑलरेडी मौजूद है। तो सेकेंड लॉ जो है उसके अंदर में दोनों लॉ है, है ना, मान लीजिए ये F2 है, ये क्या है F2, सेकेंड लॉ का सेकेंड लॉ, ये क्या है सेकेंड लॉ, ये क्या है सेकेंड लॉ, इसमें है आपका फर्स्ट लॉ भी है और थर्ड लॉ भी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों लॉ है इसके अंदर, सेकेंड लॉ में दोनों, थर्ड लॉ को समझते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक प्लैनेट ये है, दूसरा प्लैनेट ये है, ये M1 मास का है, ये क्या है M2 मास का है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, आर है ना,
दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेगी। ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये इसको एग्जर्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को क्या करता है, एग्जर्ट करना शुरू करता है, खींचना शुरू करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से किसी वक्त अगर हम मानेंगे तो ये जो फोर्सेस हैं ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या है, इंटरनल है ना। ये फोर्स अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम देखेंगे पहले का, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम सेकेंड बॉडी, इसको अगर हम देखेंगे ये क्या आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम पहले का आ रहा है एफ, दूसरे का आ रहा है नेट, एफ इक्वल टू जीरो, मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये क्या है एक्शन, अगर इसने उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया है तो ये क्या है, अगर इसको प्लस लिखते हैं तो ये क्या है, रिएक्शन। ये एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज पेयर में आते हैं, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, पेयर में आते हैं। ये थर्ड लॉ है, ये क्या कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसको हमको पढ़ना है। ओके, हम लोगों को यही पढ़ना है, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ना है। ओके चलिए, और बहुत सारा चीज़ें हमको पढ़ना रहता है फोर्सेस के बारे में, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है ना। तो अगर किसी बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या होगा, इसके बाद पढ़ेंगे लिनियर मोमेंटम इक्वल टू जीरो। इसके बाद अगर हमने बोल दिया कि इससे हमारा अभी वी यूनिफॉर्म है, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी इसी से निकल रहा है, यहीं से लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी निकलता है, इसी से क्या निकलता है, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहलाता है, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या है, पी क्या है, यूनिफॉर्म है ना, ये क्या है, पी क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रेट से लिनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा है, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे लगाते हैं है ना। तो अगर हम इसको ऐसा समझें कि m1 v1 है ना, दैट इज इक्वल टू m2 v2, दैट इज इक्वल टू m3 v3, दैट इज इक्वल टू m4, ऐसा करते हुए हम mr और vr करके सोच सकते हैं है ना। लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हमको इसी से पता चल जाता है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ उसके अंदर है ही, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम इससे पढ़ सकते हैं और बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे।